अच्छा, एक प्रॉब्लम जो सभी को आती है, देखिए जब कभी भी हम फ़ोन चार्ज में लगाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, घर पे अगर हम रहें तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर हम कहीं गए हैं, मान लीजिए ट्रैवलिंग में गए हैं, तो कई बार क्या दिक्कत आती है कि जब हम चार्जर को इस तरीके से लगाते हैं तो इसमें फ़ोन रखने की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, यानी कि फ़ोन रखने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी टिप से इसको ट्राई कीजिएगा, आप एक क्लेचर लीजिएगा और लेकर के आपको इस तरीके से चार्जर के ऊपर ही लगा देना है, और चार्जर के ऊपर क्लेचर को लगाने के बाद से क्या करना है, आपको यहाँ पे फ़ोन को इस तरीके से टिका करके रख देना है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, आपको कहीं भी फ़ोन रखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप आराम से फ़ोन को रख दीजिए, ये फ़ोन ना गिरेगा ना कुछ होगा, आराम से चार्ज हो जाएगा। मेट्रो वगैरह में भी बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है, ट्रेन वगैरह में भी बहुत बार आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमें फ़ोन हाथ में पकड़ करके खड़े रहना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप इस टिप को यूज़ कीजिए, ये टिप्स आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही कारगर भी है। बस क्लेचर थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा ताकि फ़ोन बिल्कुल भी गिरने का डर ना रहे। तो उम्मीद करते हैं वाली टिप्स आपको अच्छी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आलू लिए थे। अच्छा, आलू का यूज़ तो सब्जी वगैरह के लिए ही होता है, यानी कि खाने के लिए यूज़ किया जाता है आलू का, लेकिन आलू का एक बहुत अच्छा सा यूज़ आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस तरीके से आलू को यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमने आधा आलू लिया है, देखिए पूरा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आधा लेना है, और उसके बाद से इसके ऊपर हमें डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डाल लीजिएगा या फिर सोडा डाल लीजिएगा। अच्छा, आप सोचे होंगे कि इसका यूज़ किस तरीके से करना है हमें, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिया है गैस का बर्नल, और आप देखिए कि इसकी कंडीशन कैसी हो रखी है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जंग वगैरह लगी हुई है, बिल्कुल भी साफ नहीं है, बिल्कुल क्लीन नहीं है, और उसी के साथ में इसके जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो भी बंद हो रखे हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम आलू और सोडा की मदद से इसको क्लीन करेंगे। एक तो ये बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाएगा, दूसरी चीज़ जो इसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं बर्नल में जो बंद हो जाते हैं वो भी आराम से खुल जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से इसको क्लीन किया जा रहा है, तो बस इसी तरीके से आपको भी अच्छे से क्लीन कर लेना है, जिससे क्या होगा आपका जो बर्नल है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा पहले जैसा, और दूसरी चीज़ अच्छे से इसका जितने छोटे छोटे छेद हैं वो खुल जाएंगे, तो इससे क्या होगा आपकी गैस भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। क्योंकि इससे एक ही प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए अगर हमारा जो बर्नल है इसका अगर छेद बंद होता है तो क्या होता है, पूरा प्रॉपर तरीके से गैस बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस लीक होती है, और इसी के कारण से सिलेंडर जो है बहुत जल्दी से खाली हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप छोटी छोटी टिप्स का यूज़ करते हैं तो आपका जो सिलेंडर वो लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों बर्नल को अच्छे से धो करके क्लीन कर लिया, सोडा की मदद से बहुत अच्छे से साफ हो जाता है और इसके सारे छेद भी खुल जाते हैं। तो चलिए अब लगा देते हैं इसको गैस पर। तो यहाँ पर आप देखिए इसको अच्छे से सेट कर देंगे हम, और उसके बाद से अब जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो बहुत आराम से गैस जो है प्रॉपर। अच्छा फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम जो है वो सभी के साथ आती है, जब भी हमारे घर में इस तरीके के स्विच बोर्ड होते हैं और बहुत सारे स्विच होते हैं उसमें, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि हमें समझ ही में नहीं आता है कौन सा, जैसे मान लीजिए हम तो डेली बेसिस पे यूज़ करें, हमको पता है कि कौन सा पंखे का है, कौन सा लाइट का है, या कौन सा बाथरूम का है, मतलब सब पता रहता है। लेकिन अगर घर पर कोई नया बंदा आया हो या फिर कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोग को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक स्विच अगर हमें दबाना है, मान लीजिए बाथरूम की लाइट ऑन करनी है, तो एक को दबाने के चक्कर में सारा दबा करके देखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये पता चल सके कि कौन सा जो स्विच है वो बाथरूम के लाइट का है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, कौन सा पंखे का है वो भी नहीं समझ में आता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी टिप से इसको यूज़ कीजिएगा। क्या करना है, नेल पेंट ले करके, और नेल पेंट से आप चाहें तो इस तरीके के जो भी स्विच लाइट का है उस पर लाइट का लिख दीजिए, उस पर एल लिख दीजिए, जो पंखे का है उस पर एफ़ लिख दीजिए, जो बाथरूम के स्विच का है उस पर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए, या ऐसे ही जो भी मल्टीपल यूजेस के जो स्विच होते हैं उस पर आप वो वर्ड्स लिख दीजिए। इसके वजह से क्या होगा, आपको भी कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई अगर बाहर से आए कोई रिलेटिव्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटे छोटे बच्चों को भी उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको पता होगा कि वर्ड्स लिखे हुए हैं तो ये किस चीज़ का होगा। तो ये एक बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप नेल पेंट की जगह यहाँ पे आप मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ये परमानेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ली है आइस क्यूब। अच्छा, आइस क्यूब का यूज़ तो हम नॉर्मली पानी वगैरह में डालने के लिए या फिर कोल्ड ड्रिंक में डालने के लिए, मतलब कि पीने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स आज एक किसका बहुत अच्छा सा टिप्स आपके साथ शेयर करें, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। इसको किस तरीके से यूज़ करना है चलिए बताते हैं।
अच्छा, जैसा कि अभी आपको पता है कि गर्मी का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे घर के जो पौधे हैं बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर पानी अगर नहीं मिल पाता है तो ये और जल्दी से मुरझा जाते हैं। साथ ही साथ में लू चल रही है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में तो इसको पानी दे दीजिए, और उसके बाद से दोपहर में आप थोड़ा सा इस तरीके से 4-5 आइस क्यूब निकाल करके इसमें डाल दीजिए। ये क्या होगा, धीरे 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 पौधों को ठंडा करता रहेगा। और इससे आप देख सकते हैं, हमने लिया है गत्ता। गत्ता का आज एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर हम बनाने वाले हैं, जिसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। क्या करना है यहाँ पर, खास करके जब हम कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह मंगाते हैं, तो ये इस तरीके के जो गत्ते हैं, जो कार्डबोर्ड होता है उसके साथ में आता है। तो यहाँ पे हमने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया था, तो उसके साथ ही आया था, तो इसका हमने सोचा कि कुछ यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है चलिए बताते हैं। यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है, प्लेट को इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद से क्या करना है, मार्कर की मदद से अच्छे से इसमें गोल सा निशान बना लेना है प्लेट के साइज़ का ही। और उसके बाद से क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम गत्ते को कट कर लेंगे, जैसे हमने निशान बनाया ना उतना ही बड़ा हम इसको कट करके ले लेंगे। तो यहाँ पे कैची की मदद से या फिर चाकू को थोड़ा सा गर्म करके अगर आप चाहें तो आराम से इसको कट कर सकते हैं, उससे क्या है गत्ता जो है जल्दी से कट हो जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी अच्छी अच्छी किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स हमेशा आप लोग के लिए लेकर के आते रहते हैं। और साथ ही मैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हो सकता है उनको भी इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कट कर लिया है, और उसके बाद से क्या करना है, अब हमें इसमें छोटे छोटे से होल्स करने हैं। तो इसको अगर आप चाहें तो कैची की मदद से कर सकते हैं, या फिर जो पेचकस होता है उसकी मदद से भी आप छोटे छोटे से होल्स कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से ढेर सारे होल्स कर लिए हमने यहाँ पे। और उसके बाद से क्या करना है फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमें एक ढक्कन लगाना है। तो यहाँ पे हमने एक बॉटल का ढक्कन लिया है, और उस पर डबल टेप जो होती है उसको चिपका के और इस तरीके से लगा दिया है। तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि हमने क्या बनाया है फ्रेंड्स, ये हमने बनाई है एक प्लेट। इसका यूज़ किस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी कि एक ढक्कन है ये, जिसका यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कभी भी आपने दूध वगैरह गर्म किया है, और अगर आप चाहते हैं कि दूध में मोटी मलाई पड़े तो क्या कीजिएगा, इस तरीके से इस ढक्कन का यूज़ कीजिएगा इसको ढकने के लिए। देखिए क्या होता है, अगर हम इस तरीके की प्लेट का यूज़ करते हैं, कभी भी दूध को गर्म करें और इस तरीके से ढक दें, तो दूध में जो है मोटी मलाई नहीं आती है। या फिर और भी चीज़ों में आप इस ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि कभी भी सब्ज़ी वगैरह आप रखते हैं बना करके, तो आप इससे ढक करके अगर रखेंगे तो सब्ज़ी जो है जल्दी से ख़राब नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है जो कि बहुत ही अच्छी है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे पास मोबाइल स्टैंड नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मान लीजिए कोई मूवीज़ वगैरह देखनी हो तो उसको पूरा टाइम हाथ में पकड़ के तो नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास भी मोबाइल स्टैंड नहीं है तो इस तरीके से आप चार्जर का यूज़ कर सकते हैं। चार्जर को इस तरह से खड़ा करके रखना है, और उसके ऊपर इस तरह से फ़ोन को रख देना है, और आप देखिए फ़ोन बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है, अपनी जगह से आराम से अपनी जगह पर स्टैंड रहेगा। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर से आजमाइएगा। ये अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी, और ये एक ऐसा स्टैंड है जिसको आप कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं, आपको अलग से किसी भी स्टैंड की जरूरत नहीं। अच्छा फ्रेंड, बहुत बार क्या होता है, जब हम इस तरीके से मिक्सी का यूज़ करते हैं तो इसके साथ जो एक दिक्कत आती है वो ये आती है, इसका जो तार होता है कई बार हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। इसकी वजह से क्या होती है, इसकी वायर कई बार क्या होता है चूहे भी काट देते हैं, और कई बार ये ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं आप, चलिए बताते हैं आपको। देखिए, इस तरीके से आपको इसको मोड़ लेना है। जब आप इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, और उसके बाद से जब आप इसको इस तरीके से बस एक बार लपेट के यहाँ पे क्लेचर लगा देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से जो तार है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा और बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हम एक क्लेचर यहाँ पे लगा देंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ऐसे ही रहता है, इसका जो तार है वो बिल्कुल भी निकलता नहीं है अपनी जगह से। तो ये एक बहुत अच्छी सी टिप्स है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर से आजमाइएगा, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।